आज श्रावण शुक्ल पक्ष दशमी रविवार 7 अगस्त 2022 है। आज की प्रस्तुति के साथ पुष्टि मार्ग के प्राकट्य उत्सव की विशेष प्रस्तुति भी है, अतः वीडियो अंत तक अवश्य देखें। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाथ। मैं भाविका जोशी एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। कल श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी अर्थात पवित्रा एकादशी है। पुष्टि मार्ग में इसका बहुत अधिक महत्व है और श्रावण शुक्ल पक्ष द्वादशी को पुष्टि मार्ग का प्राकट्य दिवस माना जाता है, जिसे पुष्टि मार्ग की गुरु पूर्णिमा भी कह सकते हैं। आज की प्रस्तुति में सबसे पहले इन दोनों विशेष दिवसों की भावना की जानकारी साझा करेंगे, तत्पश्चात प्रभु श्री जी के आज के दर्शन करेंगे, उसके बाद पवित्र एकादशी का सेवा क्रम एवं प्रभु दर्शन करेंगे। संवत 1494 की श्रावण शुक्ल तीज से भागवत पारायण प्रारंभ कर आज श्रावण शुक्ल एकादशी को पूर्ण की थी श्री वल्लभ ने। आप देवी जीवों के लिए चिंतित थे, तभी मध्य रात्रि को स्वयं ठाकुर जी ने प्रकट होकर श्री महाप्रभु जी को देवी जीवों को ब्रह्म संबंध देने की आज्ञा दी। श्री महाप्रभु जी ने श्री गोवर्धन नाथ जी को 360 तारों का जनेऊ जिसे पवित्र कहते हैं अंगीकार करवाया, मिश्री का भोग अरोगाया। पुष्टि मार्गीय जीवों के लिए यह बहुत ही विशिष्ट दिवस है। आज सर्वप्रथम श्री दामोदर दास जी हरसानी जी को ब्रह्म संबंध प्राप्त हुआ और समस्त जीवों के लिए ब्रह्म संबंध का पुष्टि पथ आलोकित हुआ, अर्थात पुष्टि मार्ग ब्रह्म से संबंध का मार्ग है, ब्रह्म को प्राप्त करने का मार्ग है। पुष्टि मार्ग के इस प्राकट्य दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आइए ब्रह्म संबंध के विषय में थोड़ा सा जानते हैं, जो पुष्टि मार्ग का मूल आधार है और यह आधार प्रभु आज्ञा से है। अपनी आज्ञा में प्रभु ने श्री महाप्रभु जी से कहा है कि आप जिन जीवों का संबंध मुझसे कराओगे उन्हें आप भले छोड़ दोगे लेकिन मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा। यह आज्ञा करते हुए प्रभु श्री गोवर्धन धर ने महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी को ब्रह्म संबंध का मंत्र प्रदान किया और आज्ञा की कि जिस भी जीव को आप यह मंत्र देंगे उसके समस्त दोष निवृत्त हो जाएंगे। इसी समय श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने मधुराष्टकम ग्रंथ की रचना की। इस समस्त घटनाक्रम को प्रभु श्री ने सिद्धांत रहस्य ग्रंथ में प्रतिपादित किया है। ब्रह्म संबंध विवाहवत संस्कार भी कहा जा सकता है, जिसमें जीव का प्रभु से संबंध होता है। प्रभु और जीव का यह संबंध गुरु ही करवाते हैं, अतः पुष्टि मार्गीय समस्त जीवों के लिए सर्वोच्च गुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु जी हैं, जो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक हैं। आज दामोदर दास जी हरसानी को प्रथम ब्रह्म संबंध श्री महाप्रभु जी ने करवाया था, अतः आज गुरु को पवित्र धराने की परंपरा तभी से प्रारंभ हुई। एक और विशेषता है, पवित्रा बारस को श्री महाप्रभु जी को दामोदर दास जी हरसानी के साथ में स्वयं प्रभु श्री गोवर्धन धरन ने भी पवित्रा धराई थी। जिनके हृदय में श्री जी सदैव विराजमान हैं, जिन्होंने पुष्टि मार्ग को अपनाया है, उनके लिए गुरु का महत्व क्या है, यह इस घटनाक्रम से प्रतिपादित है। पवित्रा ग्यारस बारस को जो क्रियात्मक सेवा होती है उसे न केवल स्थायी संस्कार के रूप में अपनाएं, बल्कि नव पल्लवों में भी संस्थापित करें। न केवल स्थापित करें बल्कि सिंचित भी करें, यह हमारा आधार है। अपने गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण भाव रखकर अपने दोषों के निवारार्थ पवित्रा धराएं। वर्तमान कालखंड एवं घटनाक्रमों के अनुसार यह उल्लेखनीय है कि पाखंडों को अपने विवेक से दूर रखकर केवल श्री वल्लभ पर भरोसा दृढ़ रखें।
इसे समझने के लिए आज के ही दिन हुए एक और घटनाक्रम को आप अवश्य जानिए। जब प्रभु श्री गोवर्धन धरन महाप्रभु जी को आज्ञा कर रहे थे, तब श्री दामोदर दास जी हरसानी भी वहां विद्यमान थे। प्रभु आज्ञा के पश्चात प्रातः श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने हरसानी जी से पूछा कि दमला तेने कछु सुनियो। तब हरसानी जी ने निवेदन किया कि प्रभु, मैंने कुछ सुना तो सही पर समझा कुछ नहीं। अर्थात वह जो भगवद आज्ञा है वह केवल गुरु ही समझा सकते हैं, इसका हमें सदैव ध्यान रखना चाहिए। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग के प्रधान पीठ नाथद्वार स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। आज प्रभु श्री जी को पवित्र एकादशी उत्सव के आगम का श्रृंगार धराया जाता है। हल्के से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। झूलत तेरे नयन हिड़ो रे, झूलत तेरे। आज की सेवा भावना के तहत आइए प्रभु श्री जी की साज सज्जा के सर्वप्रथम दर्शन करते हैं। आज प्रभु श्री जी के पार्श्व भाग में लाल रंग के मलमल के वस्त्र की पिछवाई सजाई जाती है। यह पिछवाई रुपहरी जरी के किनारे के हाशिया से सुसज्जित होती है। पिछवाई के अलावा प्रभु के समक्ष अन्य साज में गादी, तकिया, चरण चौकी, पड़घाजी, त्रष्टि एवं खेल के साज पधराए जाते हैं। इनमें से गादी तकिया के ऊपर सफेद बिछावट की जाती है तो स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पर हरी मखमल लगी हुई होती है। दो स्वर्ण के पड़घाजी पधराए जाते हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी व दूसरे पर झारी जी पधराई जाती हैं। एक अन्य चांदी के पड़घाजी पर माटी के कुंजा में शीतल सुगंधित जल भरा होता है और सन्मुख में धरती पर जो त्रष्टि पधराई जाती है वह चांदी की होती है। गुलाब जल से भरी हुई दो गुलाब दानियां भी तकिया के पास पधराई जाती हैं। प्रभु के समक्ष जो खेल के साज आज पधराए जाते हैं उसमें पट लाल रंग का तथा गोटी छोटी सोने की पधराई जाती है। आइए अब प्रभु श्री जी को आज धराए जाने वाले वस्त्रों के दर्शन करते हैं। आज प्रभु श्री जी को लाल रंग की मलमल के वस्त्र धराए जाते हैं, जिसके तहत आज प्रभु को पिछोड़ा धराया जाता है। यह पिछोड़ा सुनहरी किनारी से सजा हुआ होता है, लेकिन पिछोड़ा के किनारों को इस प्रकार मोड़ा जाता है कि सुनहरी किनारी दृश्यमान नहीं हो पाती है। आज प्रभु को जो ठाड़े वस्त्र धराए जाते हैं वह पीले रंग के होते हैं। अब प्रभु श्री जी को आज धराए जाने वाले श्रृंगार एवं आभरण के दर्शन करते हैं। आज श्री जी को छेड़ान का अर्थात कमर तक का छोटा हल्का श्रृंगार धराया जाता है। इन श्रृंगार आभरणों में कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण प्रभु को धराए जाते हैं। आज धराए जाने वाले यह सभी आभरण स्वर्ण में जड़ित पन्ना के सिद्ध किए हुए होते हैं। चलिए अब प्रभु के श्री मस्तक के श्रृंगारों के दर्शन कर लेते हैं। आज प्रभु श्री जी के श्री मस्तक पर लाल रंग के मलमल की ही छजेदार पाग धराई जाती है। इस पाग के ऊपर सिरपेच धराया जाता है, लूम धराई जाती है और मोर पंख की सादी चंद्रिका के साथ बाई ओर शीश फूल भी धराए ही जाते हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करें तो प्रभु को आज पन्ना से ही सिद्ध किए हुए कर्ण फूल की दो जोड़ियां धराई जाती हैं। प्रभु श्री जी को फूल घर की सेवा के तहत आज
गोंजा माला के साथ, श्वेत एवं पीले पुष्पों की, रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाक वाली दो माला जी धराई जाती हैं। श्री हस्त में प्रभु के कमल छड़ी धराई जाती है। इसके साथ वेणु जी भी धराई जाती हैं, जो आज हरे मीणा की सिद्ध किए हुए धराई जाती हैं। कटी पर प्रभु के वेत्र जी तो धराए ही जाते हैं। अब प्रभु श्री जी के श्री चरणों के दर्शन करें तो पेंजनिया, नूपुर व बिच्छियां सभी आभरण से मिलवा धराई जाती हैं। इन सुंदर वस्त्र, आभरण एवं श्रृंगारों से अलंकृत प्रभु श्री जी को आज आरसी श्रृंगार में स्वर्ण वाली दिखाई जाती है। आइए अब प्रभु श्री जी की एक और महत्वपूर्ण सेवा, राग सेवा का अवलोकन कर लेते हैं, जिसके तहत मंगला में सोहेलरा नंद महर, राजभोग में आज की शोभा कहत न आवे, गावो गावो मंगल चार बधावो, हिंडोरना के पदों में नट के पद गाए जाते हैं, जिसमें सुरंग हिंडोरना हो माई, झूलत नव रंग संग मुदित झूलावत, छबीले गोपाल झूलो, और शयन के दर्शनों में प्रभु के समक्ष झूले नागरी नागर दो कीर्तनों का गान किया जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं, इन दिनों श्रावण के हिंडोलना की सेवा चल रही है, जिसके तहत सायंकाल में श्री जी में श्री मदन मोहन जी एवं उनकी गोद में श्री बालकृष्ण लाल जी आज पान के हिंडोलना में विराजित होकर दर्शन देंगे। तो श्री नवनीत प्रिया जी अपने स्वग्रह में पान के हिंडोलने में ही विराजित होंगे। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही रहता है, जिसमें भोग सेवा के दर्शन करें तो श्री जी को दूध घर, बाल भोग, शाक घर व रसोई में सिद्ध की जाने वाली सामग्रियों का नित्य नियमानुसार भोग रखा जाता है। तो पान घर की सेवा के तहत प्रभु श्री जी को तांबूल बीड़ा अरोगाए जाते हैं। मंगला, राजभोग एवं आरती तथा शयन दर्शनों में प्रभु की आरती उतारी जाती है। आइए अब प्रभु श्रीनाथ जी में कल हुए हिंडोलना मनोरथ एवं पुष्टि मार्ग की तृतीय पीठ द्वारिकाधीश जी मंदिर कांकरोली में हुए हिंडोलना मनोरथ के दर्शन कर लेते हैं। पवित्र एकादशी उत्सव के आगम के श्रृंगार दर्शन के पश्चात आइए प्रभु श्रीनाथ जी में पवित्र एकादशी अर्थात श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी को क्या सेवा क्रम रहता है तथा प्रभु को क्या श्रृंगार धराए जाते हैं, इसके दर्शन करते हैं। पवित्र एकादशी उत्सव के दिवस की यह प्रस्तुति है, इस भावना से ही दर्शन करें। सभी जगह पर आज शब्द का प्रयोग किया गया है। आज पवित्र एकादशी का उत्सव होने के कारण श्री जी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को हल्दी से मांडा जाता है। आशापाल के पत्तों की सूत की डोरी से बनी वंदन माल बांधी जाती है।
दिन भर झारी जी में यमुना जल भरा जाता है। मंगला राजभोग संध्या व शयन चारों समय आरती थाली में की जाती है। गेंद चौगान दीवला सभी सोने के आते हैं। मुड्डा पेटी और दीवाल गिरी आदि पर कशिदा का साज चढ़ता है। मंगला के पश्चात ठाकुर जी को चंदन आंवला एवं फुलेल से अभ्यंग कराया जाता है। आज से पूनम तक प्रतिदिन श्रृंगार समय मिश्री की गोल डली का भोग अरोगाया जाता है। गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल के भोग में विशेष रूप से श्री जी को मन मनोहर मेवा बाटी एवं दूध घर में सिद्ध की गई केसर युक्त बासुंदी की हांडी अरोगाई जाती है। राजभोग में अन सखड़ी में दाग का रायता, सखड़ी में मीठी सेव व केसर युक्त पेठा दोहरा अरोगाए जाते हैं। क्योंकि इस बार पवित्रा धराने का मुहूर्त प्रातः काल का है, अतः आज श्रृंगार के समय पवित्रा का अधिवासन होगा। धूप दीप शंखोदक किए जाते हैं। कुछ समय उपरांत पंखे का टेरा लेकर श्री जी को पवित्रा धराए जाते हैं। पवित्रा धराए जाने के उपरांत उत्सव भोग धरे जाते हैं, जिसमें विशेष रूप से मिश्री की गोल डलिया, सफ़ेद व केसर युक्त छुट्टी बूंदी, खस्ता शक्करपारा, दूध घर में सिद्ध मावे के पेड़ा, बर्फी, दूध पूड़ी, केसर युक्त बासुंदी, जीरा युक्त दही, घी में तला बीज चालनी के सूखे मेवे, विविध प्रकार के संधाना, विविध प्रकार के फल फूल, शीतल आदि अरोगाए जाते हैं। आज प्रभु को उत्सव भोग में सभी ग्रहों से पधारी मिश्री अरोगाई जाती है। भोग के समय प्रभु को फीका के स्थान पर घी में तला बीज चालनी का सूखा मेवा अरोगाया जाता है। आज श्री जी की साज सेवा में सफ़ेद डोरिया के वस्त्र पर थोड़े थोड़े अंतर से सुनहरी जरी के धोरा वाली सुनहरी जरी की किनारी के हाशिया से सुसज्जित पिछवाई धराई जाती है। गादी और तकिया के ऊपर सफ़ेद बिछावट की जाती है। स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी हरी मखमल वाली होती है। वस्त्र सेवा में श्री जी को आज सफ़ेद केसर की किनारी का पिछोड़ा धराया जाता है। ठाड़े वस्त्र लाल रंग के होते हैं। श्रृंगार आभरण सेवा के दर्शन करें तो प्रभु को आज वनमाला का चरणारविंद से 2 अंगुल ऊंचा उत्सव का भारी श्रृंगार धराया जाता है। मिलवा हीरे की प्रधानता के मोती माणक पन्ना एवं जड़ाऊ स्वर्ण के आभरण धराए जाते हैं। श्रीमस्तक पर सफ़ेद कुल्ले के ऊपर सिर पेच 3 मोरपंख की चंद्रिका की जोड़ एवं बाईं ओर शीश फूल धराया जाता है। श्रीकर्ण में मकराकृति कुंडल धराए जाते हैं। नीचे 5 पदक, ऊपर हीरा पन्ना माणक मोती के हार व दुलड़ा धराया जाता है। कली की माला जी धराई जाती हैं। श्रीहस्त में कमल छड़ी, हीरा के वेणु जी एवं 2 वेत्र जी धराए जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों में व्यंजनियाँ, नूपुर व बिच्छियाँ उत्सववत धराई जाती हैं। खेल के साज में पट उत्सव का गोटी सोने की जाली वाली आती है। प्रभु को आरसी श्रृंगार में 4 झाड़ की एवं राजभोग में सोने की डांडी वाली दिखाई जाती है। राग सेवा के तहत आज मंगला में आज बड़ो दरबार देखियो नंद राय तेरो, राजभोग में हेरी है आज नंद राय के, हिंडोरा में गोविंद स्वामी के प्रथम दिवस के पद गाए जाते हैं। शयन में आछी नी की सोहत कीर्तनों का प्रभु के सन्मुख गान किया जाता है। वहीं संध्या आरती में श्री मदन मोहन जी डोल तिवारी में चांदी के हिंडोलने में झूलते हैं। उनके सभी वस्त्र श्रृंगार श्री जी के जैसे ही होते हैं। श्री नवनीत प्रिया जी भी चांदी के ही हिंडोलने में विराजित होकर झूलते हैं। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश के पुष्टि मार्ग के हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। सुरंग हीड़ो रे झूले माई गिरिधर सुरंग हीड़ो रे गिरिधर सुरंग हीड़ो रे झूले रतन खचित पटुनी पर बैठे, रतन खचित पटुनी पर
श्याम सुंदर तन पीत बसन घन श्याम सुंदर तन सारी सुर गई बो रे सारी सुर गई बो रे अनसन बा ऊपर पर जो रे अनसन बा ऊपर पर जो रे मंद हसन पिय ओ रे मंद हसन पिय ओ रे झूले माई गिरिधर सुरज गिरो रे नार जुर्गा में चौदेश घोष नार जुर्गा में चौदेश झुलवत हो रे थो रे झुलवत हो रे प्रभु गिर तरण लाल छव सूर प्रभु गिर धरण लाल छव ब्रज जुवती न चित चो रे ब्रज जुवती न चित चो गिरिधर सुरंग गो रे झूले माई चौदिस घोष नार दुर्गा में चौदिस झुलवत थोर ओ रे झुलवत थोर ओ रे सुर प्रभु गिरि नरन लाल छवि सुर प्रभु गिरि नरन लाल छवि गज युवती न चित चोरे हे ब्रज युवती न चित चोरे झूले माई ब्रज युवती न चित ब्रज युवती न चित ब्रज युवती न चित चोरे झूले माई गिरिधर सुर गोरे झूले माई गिरिधर सुरंग गिरिधर सुरंग ओरे झूले माई गिरिधर सुरंग गिरिधर गावो बजावो मृदंग गावो बजावो मृदंग सब
मेल आ वो गावो बजाओ वो सब मेल आ वो गावो बजाओ आज हमारे लाने की बार बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। दिव्य शंखनाद के लिए संपादक प्रकाशक कृष्ण कन्हैया सनाट्य के साथ भाविका जोशी, कमलेश पालीवाल, राजूभाई सनाट्य, अनिरुद्ध देवपुरा, जतिन सनाट्य, कांकरोली से गौरव पालीवाल, नागपुर कीर्तन समाज से श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला, रवि गोपाल जी मापावाला और केतन भाई कक्कड़ की प्रस्तुति।